तो चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज का जिक्र करेंगे और ये बड़ी खबर आ रही है, महिलाओं के प्रति गलत टिप्पणी करने के मामले में घिरे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी अब एक बार फिर से नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब की बार विवाद है बुजुर्ग को लात मारने का। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जबकि विवादों में इस तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके से श्वेता ढुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी जबकि अपने बेटे विकास के वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। महिलाओं पर गलत टिप्पणी करने के मामले में जाएंगे आपका घेरे हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जयप्रकाश जैसे ही अपना भाषण खत्म करते हैं उन्होंने एक पास में खड़े बिल्कुल ठीक बगल में खड़े बुजुर्ग को स्टेज पर ही लात मार दी। शहर के एक बुजुर्ग व्यापारी को लात मारने का इन पर आरोप है और ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिस पर लोगों ने जयप्रकाश के खिलाफ कड़ा एतराज जताया है। शहर के कुछ लोगों ने मांग की है कि सांसद जयप्रकाश को बुजुर्ग से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि ये शुक्रवार का मामला है जबकि चीका की नई अनाज मंडी में ये तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जबकि जयप्रकाश इस तरीके से विवादों में घिरे हुए हों। इससे पहले भी हमने देखा था कि जयप्रकाश ने श्वेता ढुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता है। इससे पहले किरण चौधरी और कमलेश ढांडा पर भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं और इन्हें महिला आयोग की ओर से नोटिस भी गया था। और एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा में किस तरीके से जयप्रकाश सांसद जयप्रकाश जनता के प्रतिनिधि हैं और देखिए किस तरह का मैसेज ये सरेआम खुलेआम स्टेज से देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्स जो कि इनके बगल में खड़ा है उसे लात मारते हुए सांसद जयप्रकाश नजर आए हैं। इससे पहले किरण चौधरी और पूर्व महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा को भी लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। बंसीलाल की विरासत को लेकर कहा था कि देश पुरुष से चलता है और इसलिए किरण चौधरी बंसीलाल की वारिस नहीं हो सकती है, जिस पर काफी विवाद हुआ था। महिला आयोग ने इन्हें नोटिस जारी किया था। इस बयान को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जयप्रकाश के इस बयान पर कड़ी आपत्ति उन्होंने जताई थी और उन्हें नोटिस भेजा था, तलब किया गया था। एक बार फिर से तस्वीरें ये सामने आई हैं और हमारे सहयोगी वीरेंद्र पूरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र क्या कर मानेंगे, जनता के प्रतिनिधि हैं जयप्रकाश। मालिक बन जाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार से सांसद हैं और एक बार नहीं उनको कई बार चुना गया जनता के द्वारा। वो पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस तरह के जिस तरह के वो बयान देते हैं, जिस तरह की ये क्रियाकलाप करते हैं, कहीं ना कहीं निंदनीय है। कल गोला विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र हंस की के लिए रैली करने पहुंचे थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उन्हीं के साथ जो सांसद हिसार सांसद हैं जयप्रकाश वो यहां पर पहुंचे थे। तो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, एक बुजुर्ग दीपेंद्र हुड्डा से मिलने की कोशिश करता है तो जब उनसे सांसद जयप्रकाश से उनकी बॉडी टच होती है तो वो कहीं ना कहीं लात मारते नजर आ रहे, कहीं ना कहीं निंदनीय। इससे पहले भी जो जिस तरह से तीन बयान उनके द्वारा दिए गए हैं वो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को लेकर हो या फिर किरण चौधरी को लेकर हो, और ताजा बयान जो 11 तारीख को उनके द्वारा दिया गया महिलाओं को लेकर कि लिपस्टिक पाउडर लगाकर नेता नहीं बनते, लीडर नहीं बनते, तो कहीं ना कहीं उस जो ये पिछला बयान है इसकी काफी निंदा भी हुई थी। और उनके हल्के में उनके बेटे जो है चुनाव लड़ रहे हैं कलायत विधानसभा क्षेत्र से, तो वहां की काफी उनकी खिलाफत भी दुलखाप की वजह तरफ से देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो वीरेंद्र रोकेंगे आपको, ये तस्वीरें लगातार जो हम दिखा रहे हैं, एक बार दर्शकों को देखिए तस्वीरें, सांसद जयप्रकाश हिसार से सांसद हैं वो किस तरीके से लात मार रहे हैं। जब वो लात मारते हैं उस ठीक उसी वक्त अगर आप बगल में देखें तो दीपेंद्र हुड्डा हाथ जोड़कर उसी कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे थे। ये बेहद शर्मनाक है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा हाथ जोड़कर उस कार्यकर्ता का अभिवादन कर रहे थे, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, जयप्रकाश उसी वक्त लात मार देते हैं इस बुजुर्ग शख्स को। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ये वही जनता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको चुनकर संसद तक पहुंचाया है, आपको सांसद बनाया है, और अब जरा सा टच क्या हुआ, आपने लात मार दी। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और क्या करके मानेंगे जयप्रकाश, चाहे किरण चौधरी हो या इससे पहले श्वेता ढुल रही हो, कमलेश ढांडा रहे हो, लगातार विवादित बयान देते आए हैं महिलाओं को लेकर और अब ये जो हरकत इनकी सामने आई है, क्या जयप्रकाश की ओर से माफी मांगी जाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की जिम्मेदारी लेगी? एक बार फिर से वीरेंद्र का रुख कर लेंगे। वीरेंद्र, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जयप्रकाश को लेकर? देखिए
जिस तरह से आपने कहा कि क्या जयप्रकाश के द्वारा माफी मांगी जाएगी, ये तो 11 तारीख के बयान को लेकर भी नहीं हुआ। जयप्रकाश ने किसी प्रकार की कोई माफी नहीं मांगी, उल्टी प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरह से जो समर्थन दुल्ख आपने एक दूसरी प्रत्याशी को दिया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और 10 दिन भी नहीं हुए हैं और ये दूसरी घटना हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सांसद जयप्रकाश इसको लेकर भी कोई किसी तरह की माफी मांगे। लेकिन ये भविष्य बताएगा कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के आला कमान उन पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है। लेकिन मंच से ये घटना होने के बाद जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा है उनको कहते कुछ नजर जरूर आ रहे हैं, वो क्या कहा है क्या नहीं कहा है ये देखने वाली बात होगी। दीपेंद्र हुड्डा ही बता सकते हैं या फिर सांसद जयप्रकाश बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटना जरूर हुई है, उस बुजुर्ग से भी बातचीत करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन कल जो घटना हुई है और पिछले 10 दिनों में जो दूसरी ये घटना है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए किस तरह की इज्जत अपने दिल में सांसद जो जयप्रकाश है वो रखते हैं, ये देखने वाली बात है जी। अच्छा देखिए तस्वीरों में वीरेंद्र हम दिखा रहे हैं, पहले उन्होंने लात मारी जब दीपेंद्र हुड्डा ने इंटरवीन किया बीच में, तो उस पर लीपापोती करने के लिए वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न जाने क्या ये करने की कोशिश जयप्रकाश की ओर से की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा वीरेंद्र, पिछली बार जब इस तरह से श्वेता ढुल को लेकर इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया था कि कांग्रेस के डीएनए में भी खराबी है। क्या संभावना है कि बीजेपी इस मुद्दे को भी भुनाएगी पुरजोर तरीके से? देखिए पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, पिछली बार भी सांसद जो जयप्रकाश है उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी इस बयान पर। सिर्फ ये कहा था कि मैंने ये जो बयान है वो महिलाओं के लिए नहीं दिया, वो ड्राइंग रूम जो लीडर है उनके लिए दिया। लेकिन कौन सा जो लीडर है वो लिपस्टिक लगाता है, कौन सा जो वो लीडर है पाउडर लगाता है, कहीं ना कहीं जो उनका इशारा है श्वेता ढुल की तरफ था, कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है अनीता ढुल की तरफ था, क्योंकि ये दो प्रत्याशी ऐसी थी जो टिकट की दावेदारी में उनके बेटे को पछाड़ सकती थी। तो हुड्डा के साथ जयप्रकाश की जो करीबियां हैं उनको लेकर हो सकता है कि उनके बेटे को टिकट मिली हो, लेकिन जो जिस वक्त उन्होंने नामांकन किया तब तक कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है वो नहीं आई थी। हो सकता है उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ कटाक्ष किया। लेकिन अब क्या इस वक्त तो टिकट भी उनको मिल गई, उनके बेटे को मिल गई है, अब तो ये प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन इस तरह से उनका एरोगेंट जो उनका बिहेवियर यहाँ पर नजर आया। ठीक है वीरेंद्र, ये उस पार्टी के नेता है जिनकी महासचिव ही एक महिला है, ये उस पार्टी के नेता है जिनकी अध्यक्ष जो है वो कई सालों तक महिला रही हैं, ये उस पार्टी के नेता हैं जिनकी महासचिव बेटी हूं लड़ सकती हूं का दम भरते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।